Good morning, students. How are you? I hope you all are good and also taking interest in online studying. Firstly, I want to wish you all of you happy Independence Day. So today we are going to start new exercise 1.3 integers. So ये भी exercise 1.2 के भी हमारे थोड़े last के दो question रह गए थे, उसके बाद हम next exercise शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3. इन अ क्विज, एक क्विज है और उसमें दो टीम है, एक टीम ए है एक टीम बी है. टीम ए ने कुछ स्कोर किया है, 3 राउंड का ने कुछ स्कोर किया है और टीम बी ने 3 राउंड में कुछ स्कोर किया है. हमें बताना है कि कौन सी टीम का स्कोर ज्यादा है. तो मैं लिखूंगा टीम ए स्कोर, टीम ए स्कोर. टीम ए का स्कोर इसमें गिवन है -40, 10, 0. यहाँ पर देखे इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स. 3 राउंड्स का स्कोर दिया हुआ है. विच टीम स्कोर मोर, किसका स्कोर ज्यादा है. कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. Can we say that we can add integer in any orders? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. यस, हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर इसका टोटल स्कोर, टोटल स्कोर टीम ए का जो टोटल स्कोर है -40, +10, +0 है, इसको तो हटाई दीजिए. क्योंकि 0 अगर मैं 10 में ऐड करूंगा तो 10 ही रहेगा. यहाँ पर देखिए -40 और +10 दो इंटीजर है, डिफरेंट साइन है माइनस का. ये डिफरेंट साइन होने पर हम इंटीजर का माइनस करते हैं और सेम साइन होने पर हम इंटीजर को ऐड करते हैं. यहाँ पर डिफरेंट साइन है, 40 में से 10 को माइनस करिए 30, तो यहाँ पर -30 आएगा. क्योंकि माइनस इसलिए आया है क्योंकि ग्रेटर जो वैल्यू है वो माइनस की. अब देखिए टीम बी स्कोर, टीम बी स्कोर, टीम बी का स्कोर कितना है. टीम बी ने फर्स्ट राउंड में 10 स्कोर किया, उसके बाद सेकंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में -40. टोटल स्कोर कितना आया, 10 + 0 + -40. जब भी ऐसे आता है +40 तो आप इसको ब्रैकेट में लेंगे, तो 10 + 0 + -, डिफरेंट साइन माइनस करिए 40. यहाँ पर 10 ने 0 का ऐड करेंगे, 10 - 40. देखिए 10 में से 40 को माइनस करिए, जब आप 10 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 30, वो भी माइनस का. क्यों है माइनस, क्योंकि 40 माइनस का है, तो जो माइनस वाली वैल्यू होगा उसमें से 30 बच गई है, तो -30. टीम ए का स्कोर कितना है, -30. टीम बी का स्कोर कितना है, -30. लिखूंगा देयरफोर both teams have equal score. दोनों टीम का जो स्कोर है वो बराबर है. और इसमें लिखा हुआ है क्या हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे yes we can add integer in any order. हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. तो यहाँ पर टीम ए का स्कोर हमारे पास था -30, टीम बी का स्कोर था जो मैंने तीनों को ऐड करा 3 राउंड का, मैंने यहाँ पर इसको ऐड करा -30. तो मैंने लिखा दोनों टीम का जो स्कोर है वो बराबर है. दोनों टीम का स्कोर कैसा है, बराबर है. और इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर से ऐड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स.
माइनस फाइव प्लस माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एट और प्लस ये ब्लैंक है. सेकेंड माइनस फिफ्टी थ्री प्लस इक्वल्स टू माइनस फिफ्टी थ्री. थर्ड सेवनटीन प्लस जीरो फोर्टीन वहाँ पर है थर्टीन प्लस माइनस ट्वेल्व प्लस इक्वल्स टू थर्टीन प्लस माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस सेवन. फिफ्थ पार माइनस फोर प्लस फिफ्टीन प्लस माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस फिफ्टीन प्लस. ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें फिल करना है. इसमें भी हम रूल अप्लाई करेंगे कि कौन से वाले इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल है वो उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे. माइनस एट माइनस यहाँ पर देखिए इसकी दो साइड है, एक तो ये लेफ्ट वाली साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, हमें दोनों साइड को इक्वल रूट बनाए रखना है. यहाँ पर क्या है माइनस फाइव, यहाँ पर कितना है माइनस एट, तो राइट साइड में माइनस एट तो है, क्या नहीं है माइनस फाइव, तो आप कर दोगे माइनस फाइव. अब दोनों साइड इक्वल हो गई. यहाँ पर देखिए माइनस फिफ्टी थ्री और राइट में भी है माइनस फिफ्टी थ्री. यहाँ पर इसमें मैं अगर माइनस फिफ्टी थ्री में मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा तो ये डिजिट चेंज हो जाएगी. तो इसका मीन्स है कि अगर इधर माइनस फिफ्टी थ्री है उधर भी माइनस फिफ्टी थ्री रखना है तो हमें इधर कुछ भी ऐड नहीं करना है, इधर कुछ भी ऐड नहीं करना है तो जीरो. उसके बाद देखिए यहाँ पर सेवनटीन है, यहाँ पर जीरो लाना है, तो सेवनटी में मैं क्या ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ कि वो जीरो बन जाए. तो सेवनटी में अगर मैं कुछ भी नंबर ऐड कर दूँगा वो तो और भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो जीरो नहीं बनेगा. तो सेवनटीन में मैं ऐड कर दूँगा माइनस सेवनटीन. तो देखिए सेवनटीन और उसका माइनस करोगे सेवनटीन, सेवनटीन से जब सेवनटीन को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा. यहाँ पर देखिए थर्टीन है, राइट में भी थर्टीन है, माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व ये मिसिंग कौन सा है माइनस सेवन, फिल कर दीजिए माइनस सेवन. उसके बाद देखिए फोर है प्लस फिफ्टीन, फोर प्लस फिफ्टीन क्या आया, फोर है फिफ्टीन है क्या बचा माइनस थ्री. यहाँ पर मैंने देखा फोर है आगे इधर फिफ्टीन है, फिफ्टीन में आगे बचा क्या थ्री, माइनस थ्री को एस कैसे लिखेंगे. तो आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के साथ. नाउ थर्ड एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1.3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन देखें, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन. अगर मेरे पास दो इंटीजर हैं, फर्स्ट मेरे पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी, मेरे पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी, मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई करी तो कितना जाएगा ए. सेकंड अगर ए एक नेगेटिव इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू बी. अगर मेरे पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर कैसा हो जाएगा नेगेटिव. थर्ड इस बार मैंने ए को प्लस ले लिया और बी को मैंने माइनस ले लिया, ए बी की मल्टीप्लाई करोगे ए बी आएगा लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा. फोर्थ देखिए अगर माइनस का ए हो और माइनस का ही बी हो तो आप कैसे करोगे, आप करोगे ए बी, ए बी जो करोगे ए और बी तो ए बी रहेगा और माइनस माइनस प्लस. अगर आपके पास दो माइनस हो इन मल्टीप्लीकेशन तो आप उसको प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एक माइनस आने पर क्या होता है, अगर एक माइनस आएगा तो माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पर एक माइनस है माइनस, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस,
देखिए अगर मैं फिफ्थ लेता हूँ, फिफ्थ पार्ट मैंने लिखा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या आएगा? एक बार टू लिया माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, यहाँ पर क्या आएगा? तो मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है यहाँ पर ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएंगी, ए बी सी, यहाँ पर आएगी ए बी सी डी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। अब मैं ये देखता हूँ प्लस माइनस का क्या रोल होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दो माइनस हो गए, दो माइनस बनते ही क्या हो जाएगा प्लस, दो माइनस बनते ही क्या हो जाएगा प्लस, जैसे ही यहाँ पर दो माइनस आए, यहाँ पर कितने माइनस आए दो, एक दो तो प्लस हो गए, एक दो प्लस हो गए। लेकिन थर्ड है, थर्ड जो तीसरा वाला माइनस है उसका पेयर नहीं बना है तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, क्योंकि इन दोनों का तो माइनस का पेयर बन गया तो ये तो पॉजिटिव बन जाएंगे, ये वाला माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दो टू टाइम माइनस प्लस हो गया, ये भी टू टाइम माइनस है ये भी प्लस हो गया, तो आंसर आएगा प्लस, आंसर इसमें आएगा प्लस। अगर कंप्लीट पेयर बन जाते हैं तो उसमें आप पॉजिटिव आंसर दोगे, और अगर कोई भी नेगेटिव साइन ऐसा होता है जिसका पेयर नहीं बनेगा नेगेटिव साइन के साथ, उसके लिए आप नेगेटिव आंसर दोगे। यहाँ पर एक माइनस है, एक माइनस का मीन्स होता है उसका पेयर नहीं बना, तो माइनस में आंसर है, एक माइनस है एक का पेयर नहीं बना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस दो हो गए पेयर बन गया प्लस, माइनस माइनस पेयर बन गया, इन दोनों का प्लस हो गया। लेकिन थर्ड वाला जो है वो ऐसा है जिसने पेयर का रोक दिया है, पेयर नहीं बना, कम्प्लीटली पेयर नहीं बन रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, पेयर बनते ही पॉजिटिव आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हम माइनस को कलेक्ट करते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स की, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स की। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, नंबर वन ए पार्ट है 3 × -1, बी पार्ट है -1 × 2 to 5, सी पार्ट है -21 × 20, डी पार्ट -316 × -1, ई पार्ट है इसका -15 × 0 × -18, एफ पार्ट है -12 −11 और 10। देखिए इन सब की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं साइन के बारे में बताऊंगा, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। फिर अपन नंबर की मल्टीप्लाई करते थे 3 × 3, यहाँ पर देखिए ए की साइन माइनस आया, माइनस में आंसर आएगा 225 की मल्टीप्लाई वन के साथ करिए तो 225 आंसर, यहाँ पे भी ए की माइनस है माइनस में आंसर आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 21 की और 20 की, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 420। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दो टाइम माइनस आ गया, कितना माइनस आ गया दो माइनस आ गए हैं, दो माइनस आते ही आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा और इन 316 की मल्टीप्लाई वन से करिए तो 316। जब भी आप वन से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर की तो वही नंबर आता है, याद रखना। यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव साइन को मैं यहाँ पर लगाऊँ या ना लगाऊँ ए की बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखना 15 × 0 × 18, अगर मैं एक इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो से करता हूँ या हजार इंटीजर हो जिनकी मल्टीप्लाई मैं जीरो से करता हूँ, यहाँ पर 2 × 3 × 3 है -15, 0 और 18, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ सात तीनों इंटीजर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तीनों इंटीजर के बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लाई का,
लेकिन अगर उनके बीच में जीरो आ गई या इनमें से कोई भी इंटीजर जीरो हुआ तो उसका आंसर केवल जीरो होगा इन मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लाई में आप दो या उससे ज्यादा बहुत सारे इंटीजर्स हैं जिनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है और उनमें से एक इंटीजर जीरो है तो सारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ पर देखिए इन दोनों की मैं अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव। यहाँ पर देखिए मैंने देखा -12 -11 पेयर बन गया और यहाँ पर कोई माइनस है नहीं, -11 -12 प्लस में आंसर आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 12 की और 11 की मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 132, कितना आएगा 132। और इसकी मल्टीप्लाई फिर 10 से कर दीजिए क्योंकि 10 बचा है तो 1320 कितना आ गया 1320। तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इंटीजर्स की, हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए जी पार्ट देखिए सर, 9 × -3 × -6 − 18 − 5 − 4 एच पार्ट हो गया −1 −2 − 3 − 4 जे पार्ट है −3 − 6 − 2 − 1 −2 − 1। यहाँ पर देखिए 9 × 3 × 6 साइन कैसे हैं, साइन 2 माइनस के है पेयर बन गया तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। आंसर हमारा कैसे होगा पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे साइन तो आपको लगाना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव साइन है। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों की मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 9 × 3 = 27 और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 6 से। या आप ऐसा कर सकते हो 9 ऐसे रखा 6 × 3 = 18 पहले 9 ऐसे रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 6 × 3 = 18 और 18 × 9 = 162 यहाँ पर देखिए माइनस है ये क्या आ रहा है माइनस 2 माइनस है पेयर बन गया लेकिन यहाँ पर तीसरा वाला माइनस आ गया जिसका पेयर नहीं बना तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। कैसा होगा नेगेटिव। यहाँ पर देखिए 18 की और 5 की मल्टीप्लाई करिए 90 और इंटू 4 करिए 18 × 5 = 90 और इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 360 कितना आ जाएगा 360 कैसा आएगा −360 कैसा आएगा 360 माइनस। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 माइनस है तो माइनस में आएगा माइनस में आंसर आएगा तो माइनस लगा दो यहाँ पर 1 2 2 2 3 6 6 इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए 3 × 6 = 6 और 4 से ऑफ कर दीजिए कितना आया 24। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये जो चार नंबर है चारों के पास क्या लग रहा है माइनस का साइन लग रहा है इन दोनों का पेयर बन गया पॉजिटिव इन दोनों का पेयर बन गया पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव होगा। जब भी पॉजिटिव होगा ना तो आप प्लस साइन लगाओगे ना माइनस 6 × 3 = 18 2 × 2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 × 2 = 36 16 × 2 = 36 तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर टू वेरीफाई द फॉलोइंग ए पार्ट देखो 18 × 7 ± 3
equals to 18 into 7 plus 18 into minus 3. देखें यहाँ पर 18 into 7 plus minus 3, 18 into 7 plus 18 into minus 3. ये मुझे verify करना है. ये जो इसकी दो साइड बनी हुई है, जब भी इक्वल का साइन आता है तो इसकी दो साइड हो जाती है. इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड. ये मेरे लेफ्ट हैंड की साइड है और ये राइट साइड है. लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा जो आंसर इसका आएगा, इसको सोल्व करने पर भी दोनों के आंसर अगर सेम आते हैं तो हमारे ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वेरीफाई हो जाएगी. कब वेरीफाई होगी ये? जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सोल्व करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई है, वेरीफाई हो गई है. यहाँ पर देखिए 18 इंटू यहाँ पर 7 आ गया प्लस माइनस, मैंने बताया था डिफरेंट साइन होने पर माइनस ही लेंगे. 18 इंटू 7 माइनस 3 4, 18 4 जब 72, 18 4 जब 72. अभी ना देखें 18 किस में मल्टीप्लाई करिए, 126 कितना आया, 126 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए एक माइनस है ना, कितना माइनस आ रहा है, तो माइनस दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो माइनस में आएगी. इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे होगी, माइनस माइनस 54. यहाँ पर देखिए 126 प्लस माइनस माइनस 54. अब इन दोनों का जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 72. 6 में से 4 को करिए 2, 12 में से 5 को करिए 7. तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई है. तो मैंने लिख दिया वेरीफाई, क्या लिख दिया, वेरीफाई. देखिए इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें वेरीफाई करना है. सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इंटू माइनस 6. ये हमें वेरीफाई करना है. देखिए कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे. माइनस 21 तो ऐसे रखूंगा मैं, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा. माइनस 4 प्लस माइनस डिफरेंट साइन आने पर माइनस 6. माइनस 21 ऐसे रखा, माइनस 4 प्लस माइनस डिफरेंट साइन है माइनस आएगा 6. माइनस 21 इंटू दोनों के सेम साइन के इंटीजर है, सेम साइन के इंटीजर हमेशा प्लस होंगे, सेम जो साइन है वही आएगा, प्लस तो हो जाएगा. लेकिन मैंने बोला माइनस 4 माइनस 6, माइनस के 4 है माइनस के 6 है, तो माइनस के 10 हुए कितने में, माइनस के 10. अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का पेयर बन रहा है तो प्लस में आएगा 210. दोनों का पेयर बन रहा है तो कितना आ जाएगा, प्लस में 210. यहाँ पर अब राइट साइड को मैं सोल्व करूँगा, दोनों में दोनों की मल्टीप्लाई है, दोनों के पास माइनस से पेयर बन रहा है प्लस में, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो प्लस में आएगी, तो ये आगे 84. अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी प्लस में आएगी क्योंकि दोनों का पेयर बन रहा है माइनस साइन का, तो 126 कितना है, 126. इन दोनों का ऐड करिए, 6 और 4 10, 8 और 2 10 11 हो गए 210. तो ये दोनों साइड कैसी आ गई हैं, 210 इक्वल्स टू 210, LHS इक्वल्स टू RHS. ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड. ये भी क्या हो गया है, वेरीफाइड. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज for any integer a.
is equal to 4 any integer array, what is minus 1 into a is equal to. देखे 4 any integer a, what is minus 1 into a is equal to. तो ये क्या होगा, minus 1 into a की अगर मैं product करता हूँ तो क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी बेटा, माइनस ए. फॉर एनी इंटीजर ए विद व्हाट इज माइनस वन इंटू ए इज इक्वल्स टू. देखिए यहाँ पर एक मैंने बताया था, वन की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो क्या आएगा, ए ही आएगा. और अगर माइनस का ए साइड है तो माइनस में आएगा. एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मैंने माइनस वन की मल्टीप्लाई 72 के साथ करी तो कितना आ जाएगा, माइनस 72. सेकंड मैंने माइनस वन की मल्टीप्लाई 12 के साथ करी तो कितना आ गया, माइनस 12. क्योंकि क्यों आएगा ऐसा, क्यों आ रहा है सेम ही नंबर माइनस के साथ, क्योंकि 12 भी 1 के साथ करोगे 12 बन जाए 12, और माइनस का साइन है, माइनस का एक साइन है जिसका पेयर ही बन रहा तो माइनस में आएगा. एक और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, माइनस वन की मल्टीप्लाई अगर मैं 20 के साथ करता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस 20. वन की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर के साथ करोगे तो सेम वही नंबर आता है. जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 1632 इसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1632 माइनस आएगा. क्यों आएगा माइनस, क्योंकि माइनस का जो साइन है इसमें एक है और जिसका पेयर नहीं बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस एक. कितना आंसर हो जाएगा, माइनस एक. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट डिटरमाइन द इंटीजर, द इंटीजर हूज प्रोडक्ट, हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज ए माइनस 22, बी 37, सी कितना गया, 0. देखिए यहाँ पर डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर आपको बताना है, ये मैंने तीनों पार्ट लिख दिए. वो इंटीजर आपको बताना है कि जिसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन से करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 22. वो इंटीजर आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ वो इंटीजर लिखे जिसकी मल्टीप्लाई में अगर माइनस वन से करता हूँ तो कितना आना चाहिए, माइनस 22. वो इंटीजर आपको बताना है जिसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन से करता हूँ तो आता है 37. वो इंटीजर आपको बताना है जिसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन से करता हूँ और आता है 0. क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज. वो इंटीजर बताइए जिसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन से करता हूँ तो कितना आ जाता है, माइनस 22. बी पार्ट है, वो इंटीजर हमें बताना है जिसकी मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस वन से करता हूँ तो कितना आता है, 37. और यहाँ पर वो इंटीजर मुझे बताना है जिसकी मल्टीप्लाई में माइनस वन से करता हूँ तो आता है 0. यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर एक माइनस है तो इधर भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हम 22 लेंगे, 22 बन जाए 22. अगर मैं माइनस का 22 यहाँ पर ले लूँगा तो पेयर बन जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, जबकि हमारा आंसर माइनस में है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, केवल 22. यहाँ पर देखिए 37 पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो अगर मैंने यहाँ पर 37 ही लिख दूँ तो ये तो कैसा जो माइनस का होना चाहिए था, हमें तो पॉजिटिव आंसर लाना है तो हमें यहाँ पे पेयर बनाना होगा, इसीलिए मैं कितना लिखूंगा, माइनस 37. यहाँ पर देखिए 0 आंसर लाने के लिए तो हमेशा प्रोडक्ट करेंगे 0 के साथ. तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. जो रेस्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. वीडियो को आपको बार बार रिपीट करते हुए देखना है. मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, मैंने पीछे कई वीडियो डाली हुई है, जो पिछली एक्सरसाइज की वीडियो डाली है और इसे 1.2 की भी मैंने डाली हुई थी. स्टूडेंट्स ने क्या करा है, स्टूडेंट्स ने केवल जब तक मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ
जैसे मैंने बीच में अभी 1 वीक तक कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी, स्टूडेंट्स ने जो पीछे वाली वीडियो थी वो नहीं देखी थी बेटा, वही वो भी सारी वीडियो आपके ही सिलेबस की है, उसमें से भी एग्ज़ाम आपका बनेगा। और ऐसा नहीं है कि वो सारी वीडियो जितने भी मैंने उसमें सम्स करवाए हैं वो आप सभी को क्लियर है। तो जब भी मैं वीडियो डालनी एक दो दिन बंद कर देता हूँ, तो आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपका फ्लो बना रहेगा और आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। मैंने बताया था आपको मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही बनेगा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ में बेस्ट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, एंजॉय योर डे।